अस्सलाम वालेकुम। आज हम ओपन सोर्स लिटरेट पाकिस्तान 2020 के फोर्थ सेशन में हैं। लास्ट सेशन में हमने एक आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो ऑनलाइन था वो देखा था। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का मतलब है ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो हमने एक देखा था जो ऑनलाइन था, जो आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ रहा था। तो जो ऑनलाइन होते हैं उसे हम क्लाउड बेस्ड कह सकते हैं और इसे हम लर्निंग प्लेग्राउंड कह सकते हैं, कोडिंग प्लेग्राउंड कह सकते हैं या सोशल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कह सकते हैं। तो लास्ट टाइम जो हमने देखा था वो था sandbox.io, ठीक है, वो भी काफ़ी मकबूल है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में, ठीक है। लेकिन आज हम एक और देखेंगे codepen.io, तो ये भी काफ़ी मज़े की चीज़ है, ठीक है। ये दोनों बेसिकली वेब डेवलपमेंट के लिए है, ठीक है। वेब डेवलपमेंट अगर आप स्टार्ट करेंगे तो वेब डेवलपमेंट काफ़ी ईजी होती है, ठीक है। आप बिल्कुल एक लाइन का कोड देख के रिज़ल्ट देख सकते हैं तो आप मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने ये ऑनलाइन प्ले ग्राउंड बताना शुरू किया है कि जैसे ही आप कुछ एक लाइन लर्न करते हैं उसको प्रैक्टिकल करते हैं, लर्निंग बाय प्रैक्टिकल लर्निंग बाय प्लेइंग का जो बेनिफिट है वो किसी और चीज़ में नहीं है। तो आज आप देख सकते हैं codepen.io, ठीक है। आप इस वेबसाइट को खोल के इधर आएंगे, ठीक है, इधर आप स्टार्ट कोडिंग कर सकते हैं और आप टॉपिक्स रिसर्च कर सकते हैं। स्टार्ट कोडिंग करेंगे तो इस तरह का आपके सामने एनवायरनमेंट आ जाएगा। इधर आप HTML कोड लिखेंगे, इधर CSS और इधर JavaScript, ठीक है। कुछ भी लिखेंगे तो वो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इधर हम एक टैग लिखते हैं H1, ठीक है। अभी इसका रिजल्ट आ जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है, वो आ गया। इस तरह आप इधर इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं, इधर इसका लॉजिक लिख सकते हैं, इस तरह आपके सामने चीज़ें सामने आती जाएंगी। ये तो हो गया वो चीज़ जो आपने खुद करनी है। लेकिन ओपन सोर्स में होता यह है कि हम दूसरों की चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, दूसरों की चीज़ को रीयूज़ करते हैं, दूसरों का जो सोर्स कोड है उसको हम पहले पढ़ते हैं, उसमें जो चीज़ हमें चाहिए होती है उसे हम उस तरह मॉडिफाई कर लेते हैं, अपडेट करते हैं, ठीक है। तो इधर आप अगर जाएंगे तो आप टॉपिक्स में जा सकते हैं। आपने अगर रिएक्ट लाइब्रेरी पढ़नी है, व्यू पढ़ना है, D3 पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है, UI पैटर्न्स, लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क्स, ठीक है, किसी भी चीज़ को ना आप इधर से कर सकते हैं। लाइक इधर अगर ये मैंने एक खोल के रखा था, ये किसी और ने बनाया हुआ है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कितना मज़े की चीज़ है, ठीक है। साइन इन एंड साइन अप का पेज है एक, तो इसका कोड आप देख सकते हैं, ये इसका कोड है, ये आप एडिट भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। ये इसकी स्टाइलिंग है, ये इसका जावास्क्रिप्ट हो गया और ये इसका HTML, ठीक है। इस तरह के बहुत लोगों ने रखा होता है। एक तो उनका मकसद ये होता है कि अपना काम वॉलंटियर करें, दूसरा उनका मकसद ये होता है कि जब वो जॉब के लिए जाते हैं किसी जगह तो वो CV की बजाय, किसी डिग्री की बजाय, किसी सर्टिफिकेट की बजाय अपना ये लिंक भेज देते हैं। ये वाला लिंक भेज देंगे तो वो फ़ौरन से जो जिसने उनको रिक्रूट करना है HR मैनेजर ने फ़ौरन से चेक करना है, यार इसे काम आता है, ठीक है, इसे जॉब दे देते हैं। और इस तरह इसके ये बेनिफिट्स भी होते हैं। भी आप ये देख सकते हैं, इधर से आप कोई भी चीज़ ओपन कर सकते हैं। लाइक ये किसी और ने काम किया हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल्स किसी ने बनाए हैं, आप अपनी वेबसाइट में कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इधर से चीज़ें उठा के आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ें इकट्ठी करके। ये है मैंने बनाया था, ठीक है। तो आप देखें फ़ौरन से थोड़ा सा कोड लिखा है और कुछ भी इधर कर सकते हैं। ये जावास्क्रिप्ट में मैंने थोड़ा सा यूज़ किया, ठीक है, और HTML और CSS, ठीक है। CSS में हम स्टाइलिंग कर रहे होते हैं, ये हमारा मैन HTML जो चीज़ शो रही होती है, और ये हमारा लॉजिक आ गया जावास्क्रिप्ट। ये आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप प्ले ग्राउंड यूज़ करेंगे तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट, इंस्टेंट फीडबैक मिलेगी, इंटरेक्टिव किस्म का होगा, तो आपका अब बोर नहीं होगे थ्योरीज में। तो इस तरह अगर आज हम ये देखें तो ये किसी और ने बनाया हुआ है रेटिंग सिस्टम, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको 2 रेटिंग दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 4, और आप मेरे वाले सेशन को 5 रेटिंग दे दें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ये वाला आपने ज़रूर प्रैक्टिस करना। इस तरह के एक दो और हम डिस्कस करेंगे मोबाइल डेवलपमेंट के भी, और फिर उसके बाद हम मज़ीद प्रोस्पेक्ट देखेंगे कि कैसे हम ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर बन सकते हैं या एक अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।